दोस्तों, आम तौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों लोगों से सुनते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कर्मों के लिए करते हैं। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्म राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के वक्त के पुराणों में हुआ है। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? अगर हम हिंदू धर्म को माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहला क्रम में होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म बुरे होते हैं। यहाँ फिर वे लोग जो अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपने निजी स्वार्थ या गलत कर्मों के लिए करते हैं, ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं तथा उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ती है। ब्रह्म राक्षस कहते होते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान और उच्च कुल में होने के बावजूद बुरे कर्म करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी बुरी बात यह है कि ये मनुष्य को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों को साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपने यादों में सहज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि के जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति कैसे दी जा सकती है? गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्रृंखलाओं को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। ब्रह्म राक्षस के मंदिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज़्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और केरला में सबसे ज़्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर या उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी नया निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति ली जाती है। भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के टाइम में उपस्थित है। अगर आप कभी कोट्टायम जाए तो ब्रह्म राक्षस के मंदिर को जरूर जाएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।